तो दोस्तों, एक कमेंट के विषय में मैं आज बोलना चाहूँगी कि एक कमेंट आया था कि 9 माह में IPV जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, IPV वैक्सीन, उसके उसके बारे में था। तो स्पेशली मैं आज इस कमेंट को क्लियर कर देती हूँ। तो उसमें था, लिखा हुआ था कि राइट में नहीं देना है IPV इंजेक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट और लेफ्ट थर्ड डोज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप राइट देंगे या लेफ्ट देंगे, बॉडी बच्चे का देख के दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई लिखा हुआ गाइडलाइन नहीं है कि आपको लेफ्ट में देना है या राइट में, लेकिन हाँ, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज हमेशा राइट में दिया जाता है। और थर्ड डोज में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, क्लियर कर दूं, मैं पूरा अच्छी तरह से सारा चीज़ को निरीक्षण करने के बाद ही वीडियो को अपलोड करती हूँ और बनाती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि लेफ्ट में देना है कि राइट में देना है। तो आपने कहा है उसमें कि लेफ्ट में देना है थर्ड डोज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का बॉडी, बच्चे का शरीर, बच्चे का फिटनेस देख के ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में देना है या राइट में देना है। तो इसीलिए ये कमेंट आपका ऐसे यूं ही रह गया, इसमें मैं क्या बोलूं। तो कभी भी आप कमेंट करें तो पूरी तरह से निरीक्षण कर लें, इसके बाद ही कमेंट को करें। थैंक यू बताने के लिए, बट लेफ्ट और राइट कोई मायने नहीं रखता है। फिर से एक बार बोल दूं, बच्चे का फिटनेस को देखते हुए थर्ड डोज राइट में देना है या लेफ्ट में देना है, आप पे करता है और बच्चे पे होता है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह से अभी 9 माह का बच्चा आया हुआ, तो मैं लगाऊंगी, तो देखिएगा फिर से कि बच्चा का फिटनेस को देखते हुए देना है। चलिए अभी चलिए देते हैं। और हाँ, एक दो MR खोलने के बाद, उसमें घोलने के बाद इसमें डेट और टाइम लिखना कंपलसरी है दोस्तों, ताकि ये 4 घंटे के बाद इसको यूज नहीं, 4 घंटे तक ही यूज करना है, इसीलिए इसमें हम लोग टाइम लिखते हैं। तो टाइम लिख लेती हूँ, इसके बाद इस बच्चे को दूंगी। इधर लिया तो देखिए, इस बच्चे को दे रहे, इस बच्चे का फिटनेस देख के बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपके कमेंट का मैं आंसर की हूँ, इसीलिए तो सबसे पहले दे रहे हैं। इधर इधर इधर, ये साइड, ये साइड कर लीजिए। ये बताने का रीजन ये वाला इसीलिए है, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ कि क्यों दे रही हूँ। IPV लगा रहे हैं सबसे पहले इंतजार अरवल में। ML का सीरीज लेंगे, डिस्पोजल बाबू को लगेगा। और एक चीज है दोस्तों कि जब भी 9 माह का वैक्सीन लगाए तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो पैर को हमेशा ऐसे करके अपने जांघ के बीच में फंसा के रखना, ताकि बच्चा का पैर ना छटपट हो और आप अच्छी तरह से दे सकें, क्योंकि ये हम लोगों को बताया गया है, इसी वजह से हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ हाथ पकड़ो, एक जन हाथ पकड़ो, एक जन हाथ पकड़ो, और बाबू को फिर ऐसे करके इंट्राडर्मल में हम लोग लगा देंगे। IPV इंजेक्शन के 2 से 2.5 इंच नीचे लगाना है, MR को IPV इंजेक्शन के 2.5 से 2 इंच नीचे लगाना है। ये सबकुटेनियस में लगता है। और ये है MR, इसको सबकुटेनियस में दिया जाता है। IPV इंजेक्शन के 2 से 2.5 इंच नीचे।
तो दोस्तों आज आप दोनों ही तरह से मैं क्लियर कर दे रही हूँ, जैसे कि ये 9 महीने की बच्ची है, इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है 9/2/2023। ये 9 महीना से अधिक हो गया है, लेकिन इस बच्चे को देखिए कुपोषित है, इस बच्चे का ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इनका दोनों बाह में देना पड़ेगा, इसको हम लोग इनका हेल्थ का देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए इनको हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ही ये कमजोर है। तो इसी वजह से इनको इनको भी पड़ेगा, 4 ही वैक्सीन पड़ेगा, लेकिन दोनों बाह में देना पड़ेगा इनको। देखिए इसमें बीसीजी पड़ा है, बीसीजी का निशान बना हुआ है, यही पे तो खून मार जाएगी। पकड़ पकड़ यहाँ इसको, ये हाथ ना हमेशा माथा में दो, गड़बड़ हो जाता है। हाँ ऐसे देखिए, आईपीबी दे रहे हैं, लेफ्ट में दे रहे हैं, क्योंकि ये दुबली पतली है और इसीलिए एक एक में नहीं दे सकते। हो गया बाबू, विटामिन तो देते हैं, उसको पिलाते रहेगी ताकत हो जाएगा। पिलाना जो हम लोग दे रहे हैं ना सिरप, उसको पिलाते रहना।